हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माधिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर से 50 जीके क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, फुगड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों, फुगड़ी जो है गोवा राज्य का लोक नृत्य है। ठीक है, तो गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं मांडी, ढकनी, झागोर, ये सभी दोस्तों गोवा के प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं, गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसापुर में लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 ईसापुर में कुशीनारा यानी कुशीनगर में हुआ था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिया था? पाली भाषा में दिया था। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से है? तो बुद्ध, धम्म एवं संघ है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन है? तो दोस्तों, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर जो है महावीर स्वामी हैं। अब दोस्तों बात करते हैं, महावीर का जन्म जो है 540 ईसापुर में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर की मृत्यु 468 ईसापुर में पावापुरी में हुआ था। महावीर ने अपना उपदेश जो है प्राकृत यानी अर्ध मगधी भाषा में दिया था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, गार्गी मैत्रेयी और कपिल का घर कहाँ था? तो गार्गी मैत्रेयी और कपिल का घर जो है मिथिला में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, मेगा अस्निज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मेगा अस्निज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। अब दोस्तों बात करते हैं, फहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अलबरूनी जो है महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनी है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं, इंडिका पुस्तक का लेखक मेगास्थनीज है। किताब उल हिंद का पुस्तक के लेखक अलबरूनी है। बाबर नामक की रचना बाबर ने किया था। हुमायूं नामक की रचना गुलबदम बेगम ने किया है। अकबर नामक की रचना अबुल फजल ने किया है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार कौन था? तो दोस्तों, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार जो है तानसेन था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल जो है अकबर के शासनकाल को कहा जाता है। मनसबदारी प्रथा की प्रणाली जो है किसने शुरू किया था? तो अकबर ने शुरू किया था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, पानीपत की प्रथम युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो पानीपत की प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, पानीपत की दूसरी युद्ध जो है 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। पानीपत की तीसरी युद्ध जो है 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में किया गया था और संस्थापक कौन था? तो ये योहुम था। ठीक है, अब दोस्तों कांग्रेस की पहला अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो भूमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। और पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? तो दोस्तों, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो है 12 फरवरी 1922 को वापस लिया था। अब दोस्तों बात करते हैं, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो कब शुरुआत किया था? तो 1 अगस्त 1920 को शुरुआत किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, अनुच्छेद 17 जो है किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 जो है संबंध किससे है? अस्पृश्यता का अंत से संबंध है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 14 जो है विधि के समझ क्षमता से संबंधित है। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता से संबंधित है। अनुच्छेद 19 जो है बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19 के क जो है प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 21 के क जो है शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, अनुच्छेद 76 किससे संबंधित है? तो दोस्तों, अनुच्छेद 76 जो है भारत के महानिवादी से संबंधित है। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 165, तो अनुच्छेद 165 जो है राज्य की महाधिवक्ता से संबंधित है। अनुच्छेद 72 जो है राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति से संबंधित है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, यूक्रेन
का राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति को दिए गए प्रमुख अवार्ड, तो दोस्तों तीन अवार्ड जो है प्रमुख है, लाइबर्टी अवार्ड, चर्चिल अवार्ड, पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। तो सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या प्राप्त हुआ? तो दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान जो है 136वां प्राप्त हुआ, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में जो है भारत का स्थान जो है 126वां प्राप्त हुआ। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में 50वां स्थान प्राप्त हुआ। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 8वां स्थान प्राप्त हुआ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में 161वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किसे मार्च 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा टी राजा कुमार को नियुक्त किया गया, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं एफएटीएफ का गठन जो कब किया गया था, तो 1989 में किया गया था, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में, ठीक है। तो सभी को ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीबी आनंद बोस है। अब दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है, तो ममता बनर्जी है। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है बस्तर विद्रोह कब हुआ था? तो दोस्तों बस्तर विद्रोह जो है 1910 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउफ जो है कहाँ के प्रमुख लोकनृत्य है? तो दोस्तों राउफ जो है जम्मू कश्मीर का प्रमुख लोकनृत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 को हुई थी, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं पहला अध्यक्ष जो कौन था, तो दोराबजी टाटा थे, ठीक है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र ध्रुव बात्रा है, ठीक है। तो सभी को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन लोहे में जंग लगना कौन सी परिवर्तन है? तो दोस्तों लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। खाना पकाना रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ जमना भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो दोस्तों बिहार राज्य है, ठीक है। अब दोस्तों सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल राज्य है। सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का है? तो केरल राज्य का है। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा राज्य का है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण की मेजबानी कौन सा राज्य किया है? तो मध्य प्रदेश किया, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब प्रारंभ किया गया था? तो 2019 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों एल्केन का सूत्र CnH2n+2 होता है। एल्किन का सूत्र CnH2n होता है। एल्काइन का सूत्र CnH2n-2 होता है, ठीक है। तो सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों मौलिक अधिकार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन खास प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री जो है पशुपति पारस है, ठीक है। गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। विदेश मंत्री एस जयशंकर है। कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वर्तमान में कौन है? तो राजीव कुमार है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों SSC के अध्यक्ष एस किशोर है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष कौन है? तो मनोज सोनी है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी है। CBSC के अध्यक्ष निधि छिब्बर है। DRDO के अध्यक्ष समीर भी कामत है, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोस्तों क्वेश्चन है फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस टीम ने जीता है? तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है अर्जेंटीना टीम ने जीता है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जो है कतर में हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का उपविजेता कौन सा देश रहा था? तो फ्रांस रहा था, ठीक है। तो सभी फैक्ट को ध्यान रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
किचन रणजी ट्रॉफी सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है, तो रणजी ट्रॉफी सबसे ज़्यादा बार जो है मुंबई ने जीता है, टोटल 41 बार जीता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं रणजी ट्रॉफी 2021-22 विजेता जो है मध्य प्रदेश रहा है। ठीक है, जो पहली बार विजेता रहा है। ठीक है, और आयोजन जो है बंगलुरु में किया गया था, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन ने 14वां अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है, तो 14वां अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 जो है भारत जीता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन जो वेस्ट इंडीज़ में किया गया था। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022 की विजेता टीम जो है इंग्लैंड रहा है। ठीक है, आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है कानपुर में स्थित है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख स्टेडियम, इंडियन गार्डन स्टेडियम जो है कोलकाता में है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, चिना स्वामी स्टेडियम बंगलुरु में है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जो है हैदराबाद में है, फिरोज शाह कोटला इसका नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया जो नई दिल्ली में है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन हरित क्रांति सर्वप्रथम किस देश में शुरू किया गया था, तो हरित क्रांति सर्वप्रथम जो है मैक्सिको देश में शुरू किया गया था। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है, जो 1960 में शुरू किया गया था। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक जो है M.S. स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का शुरुआत जो 1967-68 में किया गया था। भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो दोस्तों बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। अब दोस्तों वॉलीबॉल में जो है 6 खिलाड़ी होते हैं, नेटबॉल वाटर पोलो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, बेसबॉल खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है सामिया इमाद फारूकी किस खेल से संबंधित है, तो सामिया इमाद फारूकी जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, लक्ष्मण सेन जो है बैडमिंटन खेल से संबंधित है, सुशीला देवी जूडो खेल से संबंधित है, तरुण खिल्लो जो है पैरा बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में कितने राशि दिए जाते हैं, तो 25 लाख रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार में कितने राशि दिए जाते हैं, तो 15 लाख रुपया। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में जो है 15 लाख रुपया दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपया दिया जाता है, ध्यानचंद पुरस्कार 10 लाख रुपया दिया जाता है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन भारत रत्न पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है, तो भारत रत्न पुरस्कार 2019 जो है पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को, प्रसिद्ध संगीतकार भूपेन हजारिका को और समाज सेवी नानाजी देशमुख को दिया गया है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन मिस यूनिवर्स 2021 किसे दिया गया है, तो मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज संधु को दिया गया जो भारत देश की है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं मिस वर्ल्ड 2021 जो करोना बिलवास्का को दिया गया जो पोलैंड की है, मिस दिवा यूनिवर्स 2022 जो दिविता राय को दिया गया जो भारत का है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया है, तो दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जो है कब जोड़ा गया था, तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य है, जिनमें 10 को 42वें संविधान संशोधन द्वारा तथा 11वें को 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन भारत में माइक्रो फाइनेंस को कौन नियंत्रित करता है, तो भारत में माइक्रो फाइनेंस को नियंत्रित कौन करता है, तो RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था, इसका मुख्यालय मुंबई में है, वर्तमान में RBI का गवर्नर शक्तिकांत दास है। ठीक है, तो सभी फैक्ट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किचन 15वां विश्व पुरुष विश्व कप हॉकी का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो दोस्तों कहाँ पर किया गया, तो भुवनेश्वर यानी राउरकेला में भारत में किया गया। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं 15वां संस्करण FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत के ओडिशा में राउरकेला और भुवनेश्वर में खेला गया। ठीक है, और यह जो है खिताब किसने जीता है, तो जर्मनी देश ने जीता है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन है भारतीय न्यायपालिका कितने स्तर की होती है। तो दोस्तों भारतीय न्यायपालिका जो है तीन स्तर की होती है। तीन स्तर दोस्तों उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय होता है। ठीक है, भारतीय संसद के तीन अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होता है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना जो है 1894 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ पर है, तो लोसाने में जो स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अध्यक्ष जो दोस्तों जो है थॉमस बाच है, जो जर्मनी के। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी। तो दोस्तों ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी है, जो भारोत्तोलन खेल से संबंध रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है सुंग वंश के प्रथम शासक कौन था। तो सुंग वंश का प्रथम शासक पुष्यमित्र सुंग है। ठीक है, सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक रहा था। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है प्रोफेसर पीसी महानलोविस मॉडल पर आधारित है। इस योजना का लक्ष्य है तीव्र औद्योगिकरण थी। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत में कौन सा राज्य तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा है। तो कौन सा राज्य जो है तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा है, तो त्रिपुरा राज्य। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा सर्वाधिक किससे साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारत का एकमात्र राज्य कौन है जिसकी सीमाएँ सिक्किम से मिलता है, तो पश्चिम बंगाल राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो दोस्तों गरीबी हटाओ का नारा जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है 1974 से 1979 तक का काल रहा था। ठीक है, इस योजना जो डीपी धर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।